सावधान, आपकी सरकार जाग रही है। दिल्ली की महिला और बाल विकास मंत्री राखी बिरला बीती रात एक बार फिर सड़कों पर नजर आई। राखी ने राजधानी के कई रैन बसेरों का निरीक्षण किया और बद इंतजामी पाए जाने पर इसका जिम्मा संभालने वालों को फटकार भी लगाई। नंबर मिला के दीजिए। जब दिल्ली के लोग सो रहे थे, आपकी सरकार काम पर थी। निकलो मैडम, जब आपको कुछ पता ही नहीं तो करने क्या है यहाँ पे, क्या करते हो? दिल्ली सरकार की सबसे युवा और सबसे फायर ब्रांड मंत्री राखी बिरला बीती रात राजधानी के रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए निकली थी। मंगोलपुरी, राजा गार्डन, आजाद नगर, दिल्ली गेट, वो जहाँ पर भी गई, हर जगह अव्यवस्था को देख कर बरस पड़ी। दारू की बोतलें पड़ी और इतनी गंदगी है। अगर आपके घर में इतनी गंदगी होगी, इतनी बदबू होगी, तो क्या आप चैन की सो सकते हैं? महिला और बाल विकास मंत्री के सामने जरा रैन बसेरे के केयर टेकर का हाल तो देखिए। शर्म आनी चाहिए थोड़ा, अपनी जिम्मेदारी को समझो। मैं कल दोबारा फिर आऊंगी, अगर मुझे कल फिर ऐसी हालत मिली ना तो सोच लेना। मंत्री जी के साथ मीडिया का भी काफिला था। मौका मिलते ही राखी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया। एक रैन बसेरे से दूसरा रैन बसेरा, हर जगह उन्हें एक जैसा हाल मिला, गंदगी के बीच सोते हुए लोग। ठंड के मौसम में गरीबों की रात कैसे बीतती है, जब ये जानने के लिए दिल्ली की एक युवा मंत्री रात के वक्त रैन बसेरों में पहुंची तो कई जगहों पर उसे खामियां नजर आईं। उसने ये वादा किया है कि बहुत जल्द इन खामियों को दूर कर लिया जाएगा और साथ ही आपकी सरकार ये भी कह रही है कि बहुत जल्द ही दिल्ली में 45 नए रैन बसेरे भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कड़ाके की सर्दी में रैन बसेरा में रात काट रहे लोगों का हाल भी लिया। मंत्री जी ने रैन बसेरे का हाल तो ले लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 1 जनवरी को सीएम अरविंद केजरीवाल ने 48 घंटे के भीतर दिल्ली में 45 रैन बसेरे बनाने का जो वादा किया था, उसका क्या हुआ? उसकी मियाद तो पूरी हो चुकी है, क्या सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए वादा किया गया था? 48 घंटे बाद किसने कहा, किसने कही है ये बात? हमने ये बोला था कि हम 48 घंटे के अंदर सभी SDM से रिपोर्ट मंगा रहे, जो कि आज खत्म हो गया। आज 4 जनवरी हो गया ना, आज सभी SDM काफी हद तक तो आ चुकी है। SDM की रिपोर्ट हमने आज वो देखी थी। केजरीवाल जी ने खुद बोला था कि 48 घंटे के अंदर हम 45 शेल्टर बनाएंगे, ये बात पता थी, ठीक है, मेरी नॉलेज में ऐसी बात नहीं है। रैन बसेरों की तरह एक और बड़ा वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। शपथ ग्रहण के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने रिश्वतखोरों को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए हेल्पलाइन देने का भी वादा किया था। और अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, उससे सेटिंग कर लेना, हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे, आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना और हम सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। तो वो हेल्पलाइन नंबर कब मिलेगा मुख्यमंत्री जी? ऐलान के बाद 1 हफ्ते का वक्त तो बीत चुका है, उम्मीद है आपको अपना वादा याद होगा। दिल्ली से मांजू मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।